आज हम लोग देखने आए हैं डुप्लेक्स विला का एक सैंपल, ठीक है। और ये एक विला है जो कि नोएडा एक्सटेंशन में है, और हमारे दोस्त शशि जी साथ में हैं। शशि जी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। शशि जी कैसे हो? शशि जी बढ़िया सर, बढ़िया। तो क्या दिखाने वाले आज हमें? बेसिकली अपना ऑर्किड विला के नाम से प्रोजेक्ट है ये। हाँ हाँ। इसमें हम लोग दो साइड लेके आए हैं। एक है आपका 75 स्क्वायर यार्ड में, जो कि आपके 1475 स्क्वायर फीट में आएंगे। इससे बड़ा वाला जो है कि 75 स्क्वायर यार्ड में, जो कि 1820 स्क्वायर फीट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी हम लोग 16 स्क्वायर यार्ड वाले लैंड पे हैं, जो कि आप अपना 1450। इसके अलावा हमें ये ड्राइंग रूम मिल गया। अच्छा, ये ड्राइंग रूम है हमारा। ड्राइंग रूम के साथ एक बेडरूम, ठीक है, वॉशरूम। तो ये ड्राइंग रूम का क्या साइज होगा सर? सी ड्राइंग रूम हमने जो बनाया है 12x16 का है। 12x16 का, ठीक है। और इसके साथ जो है किचन जो है, आप जो किचन जो देख रहे हैं हमारा सेगमेंट में, इतने बड़े किचन आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो हमारा एक्चुअल है ना, जैसा एक्चुअल जो बना के देने वाले हैं हम लोग। हम लोग एक्चुअल दे रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारा हो गया किचन एरिया। किचन एरिया, किचन तो बहुत बड़ा एरिया है लग रहा है। किचन काफी बड़ा हमने दिया है। क्या साइज है किचन का? अभी अगर हम साइज देखते हैं तो ये 9x9 है। 9x9 का है, ठीक है। जिसमें हम फुल आपका फ्रेम वर्क करके हम, तो ये जो वुडन वर्क दिख रहा है हमें, ये सब लगा मिलेगा? हाँ जी, ये सब हम दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये फॉल सीलिंग, लाइटिंग वगैरह, ये सब हम करके देने वाले हैं। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो सब हम करके देने वाले हैं जी। इसमें हम लोग फॉल सीलिंग, लाइट, फैन ला रहे हैं। तो डुप्लेक्स है तो ये जीना हमारा इसके ऊपर से ही जा रहा है। या इसके साथ आप देखेंगे पहले फ्लोर पर इस रूम में है, ये हमारा बेडरूम है। तो इस पहले वाले फ्लोर पे हमारे पास एक हॉल है, एक बेडरूम है, एक किचन है। ये 12x10 का बेडरूम है। 12x10 का है जी, ये अटैच वॉशरूम, ठीक है, वॉशरूम है। और ये हम इसके साथ में ये देने वाले हैं जी। हाँ, क्या है हमारा? ये वुडन फ्लोर है। ये वुडन फ्लोरिंग एक्चुअली वुडन टाइल्स है। अच्छा, वुडन टाइल्स है, ठीक है। साथ फॉल सीलिंग, लाइट और फैन, ये लाइट एंड फैन हम देने वाले हैं, राइट। और इसके साथ में और ये इधर साफ हो जाता है आपके वेंटिलेशन के लिए, साफ होने भी। अच्छा, वेंटिलेशन के लिए जी। मतलब ये एसी के लिए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप एसी डक्ट है, आप यूज कर सकते हैं। 4x5 का हमने दे रखा है, साफ दे रखा है। ये आपकी वॉशरूम हो जाती है। इसके साथ में ये हमारा वॉशरूम है, 7x9 के वॉशरूम, 7x9 का। ओके, जॉनसन क्या लगा रखे हैं आपने? फिटिंग पूरी जॉनसन्स की हमने दी है। गुड, उसका साइज क्या बताया था सर आपने? इनका 7x9। 7x9, ओके, गुड। स्पेशियस है, 8 फीट तक हमने टाइल्स लगाए हैं इनमें। अच्छा अच्छा 8 फीट तक हमारी जो टाइल्स लगी है, स्पेशियस लगा। अच्छा, तो हमारा जो पहला जो फ्लोर है उसके ऊपर हमारे पास एक हॉल है, किचन है, और एक ये बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर पर एक बेडरूम, वन वॉशरूम, किचन, ठीक है, ड्राइंग रूम, और आगे आपकी पार्किंग स्पेस है। तो इसके जो, मेरे ख्याल से इसकी जो खासियत है, हम इसके साथ में आपको छत भी दे रहे हैं। बिल्कुल, आप ही का इसमें जो है कि आपकी फायदा ये हो जाता है कि आपकी की जमीन होगी, लैंड भी आप ही के एरिया हो गया, इसके ऊपर फ्लोर बना के देगा, छत भी आपकी। अच्छा, छत भी हमारा और जो है लैंड भी हमारी जी। बिल्कुल, ओके, जैसे हम ऊपर चलेंगे फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, चले आइए। तो ये स्टेयर्स हो गए हमारे। स्टेयर भी आप देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे टाइल्स में पत्थर लगाया, हमने पूरा स्टोन टाइल बना हुआ है। तो इसके बाद ये इवन हमें फर्स्ट फ्लोर से भी एक आपने छोटा सा ड्राइंग रूम टाइप का आप देख सकते हैं। हाँ, ये जो जैसे ही हम लोग स्टेयर से आए उसके बाद हमारे पास ये लॉबी एरिया, बेसिकली हम लोग उसको लॉबी एरिया।
स्टेयर से आते हैं, उसके बाद ये हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं इसमें जी, ये क्या कौन सा एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं अभी? लॉबी एरिया में आप 10x11 का लॉबी एरिया, तो लॉबी एरिया जो है हमारा 10x11 का, इसमें भी हम फॉल्स सीलिंग लाइट एंड फैंस हम किस करके दे रहे हैं जी। इसके साथ में इधर एक ये बेडरूम है, दो बेडरूम दे रहे हैं, मतलब एक ये बेडरूम हो गया और एक जो है हमारे पास ये बेडरूम हो गया, दो बेडरूम प्लस आपकी वॉशरूम, फिर ये हमारा जो वॉशरूम कॉमन वॉशरूम कह सकते हैं, कॉमन वॉशरूम कहते हैं। तो उसके बाद जो है अब ये हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे दूसरी बेडरूम में, हम जो आप देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का जो बेडरूम हमने लिया, अच्छा ये फर्स्ट फ्लोर का ये पहला बेडरूम हम लोग देखते हैं, 10x12 की बेडरूम है, 10x12 का बेडरूम है, फॉल सीलिंग एंड लाइट फैन राइट। इसके अलावा हमने यहाँ पे अंदर कवर्ड एरिया भी देखे हैं जो, अच्छा ठीक है ये हमारा कवर्ड हो गया, कवर्ड एरिया विद अटैच वॉशरूम, ऊपर एसी डक्ट के लिए भी आप एसी वगैरह के लिए लगा सकते हैं हम लोग इसमें। ये सब जो लाइटिंग वाइटिंग दिख रही है ये सब हम करके देंगे, ये हम लोग दे रहे कस्टमर को ठीक है। तो इसके साथ में ये हमारा अटैच बाथरूम हो गया, ठीक है टॉयलेट हो गया ठीक है। क्या साइज होगा टॉयलेट का यहाँ पे? 6.5x9 है, 6.5x9 ठीक है, ये कॉमन हो गया, मतलब कोई भी यूज कर सकता है 6.5x9 जॉनसन के पूरी सैनिटरी है। ये चौकेट किस चीज़ के लगे? चौकेट हमने हालांकि इसमें हमने जो आयरन कर दिया है लोहे की है चौकेट हमारी, जो कि कोई सेगमेंट में देते नहीं है लोग, और मोस्टली वो लोग वुडन वर्क करके दे रहे हैं, वुडन वाली जो है वो देते हैं, लेकिन ये मतलब ये काफी मजबूत रहती है, बिल्कुल ये लॉन्ग लाइफ है इनकी। तो अभी क्या आगे, अभी क्या देखने वाले हम लोग रक्षा सिंह? अभी हम दूसरे बेडरूम में चलेंगे। तो शशि अभी हम लोग जो है फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा फर्स्ट फ्लोर पे हमने फर्स्ट बेडरूम आपने देख लिया, सेकंड बेडरूम गया जो सेम साइज है 10x12 का हमारा साइज है ठीक है। इसके अलावा अभी हमने इसका फर्स्ट फ्लोर देख लिया ठीक है, अभी क्या दिखाने वाले हैं? अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर का देखते हैं, इसके अलावा हम आपको छत दे रहे हैं ठीक है, छत के लिए पर्दे हमने दिया है। हाँ ठीक है हमने आपको थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ छत से, जैसे हम लोग के गांव में घर पे होता है, काफी बढ़िया स्पेस दिया। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नीचे तक का ये पूरा स्पेस हो गया ठीक है। अच्छा ये हमारा स्पेस वाओ रूफ साइड हो गया, जो कि हमने प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करके दिया, अरे वाटर प्रूफिंग करके इसमें पत्थर लगाया, अरे वाह ये लुक तो देखो कितना मज़ेदार है बढ़िया, मतलब अच्छा सा हम इसको अगर चाहें तो अच्छा सा डेवलप कर सकते हैं अपने हिसाब से, प्लस इसमें जो आपका होगा इंडिविजुअल टैंक लगा के हम दे रहे हैं ठीक है, वाटर टैंक आपके हर एक, हाँ वो रखा तो है ओके ठीक है। तो इसको चाहे तो अपने हिसाब से डेवलप करा सकते हैं, मतलब छोटा मोटा हट वगैरह बनवाना चाहें तो बिल्कुल, आप ऊपर में आप चाहे तो पोजिशन के बाद आफ्टर पोजिशन आप बना सकते हैं, अपनी मर्जी से बना सकते हैं ठीक है, एक फ्लोर तक तो आप बना ही सकते हैं ठीक है। वैसे तो क्या प्राइस होगा सर? इनकी जो हमने जो रेट रखा बहुत ही मार्केट रेट बहुत ही कम रखा है, ये टोटल 38 लाख का आता है, अच्छा जो जिस 60 स्क्वायर यार्ड वाले एरिया पर जो करें, अच्छा 38 लाख प्लस अदर चार्जेस में आई एम एस और ठीक है। तो अगर अगर कोई बुक करे तो आप कितने दिन में डिलीवरी दे दोगे? अब तो आप देख रहे हो जैसा हमारा कुछ फैमिली भी आ चुके हैं इसमें, हाँ इसमें मैंने देखा कई सारी फैमिलीज रह रही हैं, आप समझो कि वन मंथ के अंदर बुकिंग के बाद जो है आप उसे फिनिशिंग करके दे देंगे। ओके थैंक यू शशि, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।